हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जब भी ईमेल आईडी बनाते हैं और अगर आपका ईमेल आईडी पुराना हो गया है, इट मींस कि अगर आपने जो मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी बनाया है उसका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, फिलहाल वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ईमेल आईडी बनाए हुए हैं उसका अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपना नाम भी अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जीमेल आईडी में मोबाइल नंबर से लेकर के नाम, डेट ऑफ बर्थ कैसे अपडेट किया जाता है। तो मैं आपको इसको बताने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, आप अपना स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया हूं और आपको मैं गूगल क्रोम में, ये देखिए मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में ईमेल आईडी ओपन किया हुआ है जिसका भी पर्सनल डिटेल्स और मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो आप अपने मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो मोबाइल में ईमेल आईडी रहा होगा, या तो आप उस पर ओपन करिएगा तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइएगा तो आप अपना प्रोफाइल आइकॉन पे टाइप कीजिएगा। तो प्रोफाइल आइकॉन टाइप करने के बाद यहाँ पे आपका ऐसा ही लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ होगा। तो आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये एक अलग पेज में आपको रीलोड कराया जाएगा। यहाँ पे आपको आने के बाद सेकेंड ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, बर्थ डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, अगर आपका जेंडर में भी मिसमैच हो गया है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चेंज करना है फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो फ़ोन पे मैं क्लिक करना करूँगा। और यहाँ पे उसके बाद आपको देखिए जो मोबाइल नंबर पहले से रहेगा यहाँ पे शो होगा, आप इसको चेंज करने वाले हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद एक पेंसिल कलर से आपको एक फिगर मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है। याद रहे आपको अपना ईमेल का पासवर्ड याद होना चाहिए, चूँकि फ़ोन नंबर अपडेट करने के लिए आपसे एक पासवर्ड भी पूछा जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मैंने पासवर्ड इंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, फिर से आपको यही पेंसिल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखिए अपडेट नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपडेट नंबर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी मोबाइल नंबर मांगा जाएगा आप उसको टाइप कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे जब आप जो मोबाइल नंबर डाल देंगे उस पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी कोड आपके 6 डिजिट का जाएगा। ओटीपी कोड डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।